आप सभी का स्वागत है मिशन जामिया यूट्यूब चैनल पर। आज हम सुनो बात करेंगे जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कोर्स D01 डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। देखिए इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर से जो क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे जो काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। मिनिमम 4 क्वेश्चन तो आपके डिप्लोमा इंजीनियरिंग में से आते ही आते हैं और मिनिमम 2 क्वेश्चन क्लास 11 साइंस में इसके आते ही आते हैं हर साल। ठीक है, तो इस चैप्टर को अगर जब आप लोग पढ़ें ना तो इस चैप्टर में NCERT बुक में जितना दिया हुआ है सभी चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, सभी आपको पढ़ना है। और यहाँ मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ जो आए हुए हैं। ठीक है, देखिए जो पहला क्वेश्चन है ये 2023 में आया हुआ है डिप्लोमा इंजीनियरिंग में कि डायोप्टर इज़ द यूनिट ऑफ। देखिए डायोप्टर जो है वो यूनिट है इसकी, लेंस की यूनिट है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस की, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए मिरर इज 40 cm, द फोकल लेंथ इज। देखिए आप लोगों को पता है जो स्फेरिकल मिरर होता है उसका सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, और उसका हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ जो होता है आपका फोकल लेंथ होता है। तो हमें यहाँ क्या पता करना है, हमें यहाँ फोकल लेंथ पता करना है, हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है। तो जो आपका फोकल लेंथ होता है ना वो हाफ होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का। ठीक है, तो यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर में कितना दिया गया है, 40 दिया गया है। तो 40 / 2 आपका कितना आ गया, 20। तो यहाँ पे हमारा कितना आंसर हो गया, 20 cm। 20 cm कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज। तो मैग्नीफाइंग यानी कि मैग्नीफिकेशन आप लोग जानते होंगे, ये रेशियो होता है इमेज के हाइट का और ऑब्जेक्ट के हाइट का, या फिर इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के। तो देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है ना इसमें जो आप जो इमेज बनती है वो आपकी उसकी साइज जो होती है डिमिनिस्ट होती है, यानी कि एक्चुअल में जितनी साइज होती है उसकी उससे स्मॉल बनता है। आप लोग जो गाड़ी में व्हीकल में लगे होते हैं यानी कि बाइक या फिर कार वगैरह में देखेंगे सीसी जो मिरर होते हैं उसमें हमें जो भी चीज़ हम उसके अंदर देखते हैं वो क्या होता है, हमें स्मॉल दिखाई देता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका रेशियो जो है 1 से कम होगा, तो ये ऑलवेज 1 से कम होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। देख लीजिए इमेज साइज एंड एक्चुअल साइज, तो इमेज साइज में स्मॉल बनेगा, अगर मान लीजिए ऊपर 20 है, रियल में 30 है, साइज उसकी 30 mm का इमेज और हमें 20 mm का दिख रहा है, और जब हम इसको डिवाइड करके निकालेंगे तो 1 से कम आएगा ना, स्मॉल है तो। ठीक है, ये है, देखिए ये तीन चीज़ है, अगर साइज हमारा ऑब्जेक्ट से जो इमेज की साइज़ है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा अगर बिगर है तो मैग्नीफिकेशन की पावर 1 से ज़्यादा होगी, अगर इमेज ऑफ साइज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम है तो मैग्नीफिकेशन हमारा इक्वल टू 1 होगा, अगर इमेज की साइज जो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट है तो मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 होता है। तो जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें इमेज की साइज जो होता है ऑब्जेक्ट की साइज से स्मॉल होता है, तो इसलिए उसका मैग्नीफिकेशन जो होता है लेस देन 1 होता है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ये आपको प्लेन मिरर में होता है इक्वल, क्योंकि प्लेन मिरर में आप लोग देखेंगे कि जितनी साइज रहती है उतना ही उसमें दिखाई देता है प्लेन मिरर में। ठीक है, सेम। आइए सेकेंड, विच मिरर इज यूज एज ए रियर व्यू मिरर इन ए कार। तो मैंने आपको अभी बता दिया था कार में कौन सी मिरर हम लोग यूज करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एक तो स्मॉल दिखाई देता है और ये लार्ज वाइडर व्यू ये कवर करता है, यानी कि बहुत ज़्यादा काफ़ी एरिया ये कवर करता है, इसलिए अब हमें ज़्यादा दिखाई देगा तो इससे क्या होगी, ड्राइवर को जो है सेफली मतलब ड्राइव कर पाएगा, उसको पता चल पाएगा कि हाँ पीछे से कौन सी गाड़ी आ रही है नहीं आ रही है, या स्पेशली जब उसको यू टर्न लेना हो या फिर मोड़ना हो या फिर गाड़ी को रोकना हो तो उस वक्त मिरर में देख के उसको काफ़ी आसानी हेल्प मिल जाता है। ठीक है, इसी तरह आ जाइए, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन ए प्लेन मिरर इट सफर्स। तो देखिए जब लाइट प्लेन मिरर में आएगा, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर, तो इस पर लाइट आएगा तो मिरर से लाइट हमेशा क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन आपका हो जाएगा, ऑप्शन ए, मिरर में कोई सी मिरर उस पर रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। ठीक है, अब आ जाइए, फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर इज। तो देखिए जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होता है बिहाइंड द मिरर होता है। ठीक है, और जो कॉनकेव मिरर होगा उसमें जो फोकल लेंथ होगा आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होगा। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फ्लोविंग करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ साइज ऑफ द इमेज टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो मैंने आपको बताया था अभी कि इमेज की साइज की रेशियो और ऑब्जेक्ट की रेशियो किस बनेगा, तो क्या होगा, मैग्नीफिकेशन होता है हमारा, मैग्नीफिकेशन ही तो रेशियो होता है इमेज और ऑब्जेक्ट का, हाइट से कर लीजिए या इमेज डिस्टेंस के हिसाब अकॉर्डिंग कर लीजिए। ठीक है,
या फिर साइज़ के अकॉर्डिंग कर लीजिए, यहाँ पर मैग्नीफिकेशन नहीं आता। अब आ जाइए, देखिए, एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर प्लस 4D इज अब्राउड इज कॉन्टैक्ट विद अ कॉन्केव लेंस ऑफ पावर माइनस 2D, द पावर ऑफ ए लेंस इज कम्बाइंड। देखिए, हमें लेंस की पावर निकालनी हो तो जितने भी पावर हमें दे रखे हैं उन सबको डायरेक्टली हमें सम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ हमें दे रखा है एक प्लस का 4D, प्लस में माइनस का 2D करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, माइनस का 2D इक्वल टू में 2D। तो ये हमारी पावर ऑफ लेंस कितनी आ गई, प्लस की 2D, ठीक है। प्लस माइनस का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्लस का 2D हो गया। बाकी आपको अगर ये वाला PDF चाहिए ना जिससे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, तो ये आप लोग टेलीग्राम से ले सकते हैं, मिशन जामिया नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन, लास्ट। एंगल बिटवीन एन इंसिडेंट रे एंड द प्लेन मिरर इज 30, द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। देखिए, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एक मिरर है, उसके ऊपर इंसिडेंट रे आ रहा है। आपको पता है जो लाइट रे फॉल्स होता है मिरर पे वो आपका होता है इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है, ये मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बता रहा हूँ। और आप लोगों को पता है कि जो नॉर्मल होता है वो कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है आपका, ठीक है। तो ये टोटल 90 है, 90 में से अगर 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 60 डिग्री, ठीक है। और ये आ गया आपका रिफ्लेक्टर रे। तो आप लोगों को पता होगा कि नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको कहते हैं हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टर रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या नाम है, रिफ्लेक्शन का जो रूल्स होता है इसमें कहा जाता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शंस, यानी कि जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा। तो ये एंगल कितना हो गया आपका, 60 डिग्री हो गया, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इन्होंने क्या कहा, ये 60 डिग्री, इन्होंने कहा कि इंसिडेंट यानी कि ये रे, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड ये रे, इन दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो यहाँ पे 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो हमारा एंगल 120 कौन सा आंसर है, ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। बाकी आप लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 13, 2 थिन लेंस ऑफ पावर, यहाँ भी पावर है तो मैंने आपको बता दिया पावर रहेगा तो सीधा ऐड कर देना है, ठीक है। 3D एंड माइनस का 2D आर प्लेस इन अ कॉन्टैक्ट, देन पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज कॉम्बिनेशन इज। तो पावर हमने प्लस करेंगे 3D, प्लस में माइनस का 2D इक्वल टू में आ जाएगा D, यानी हमारा पावर आ गया D, ठीक है। कुछ नहीं तो मतलब 1D मतलब 1D आया ना आपका, 3 में से 2, ठीक है। तो अब आपका क्या है, 3 में से 2 जाएगा तो 1D आएगा, ठीक है। अब आपको क्या निकालने का है, इसमें फोकल लेंथ, तो हम लोगों को पता है कि पावर इक्वल टू मतलब 1/F, तो ये एफ इधर आ जाएगा, तो एफ फोकल लेंथ इक्वल टू में 1/P। अब क्या है हमारा कि एफ इक्वल टू में 1/1D, अभी ये क्या है, ये मीटर में, अभी हमारा अब इसको हमें सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 100 cm, ठीक है। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें प्लस का 1D हो और 100 सेंटीमीटर हो, ऑप्शन बी में देखिए प्लस का 1D है और प्लस का 100 cm है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। ये मैंने न्यूमेरिकली करके दिखाया आपको, पावर प्लस किए पहले उसके बाद फोकल लेंथ हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। इसी तरह से आइए क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए सम मीडिया आर गिवन बिलो। तो देखिए, जो स्पीड होती है ना लाइट की, स्पीड जो होती है लाइट की वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड जो लाइट है वो कम होगी हमारी। तो इसमें हम देखते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट सबसे कम किस में होगी, सबसे कम उसमें होगी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होगी। तो इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसकी है, 2.42, यानी कि W की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है। तो इसका मतलब W का जो स्पीड है वो मिनिमम हो, क्या होगा, W का स्पीड मिनिमम होगा, W मीडियम का, ठीक। और इसके बाद देखेंगे हम लोग कि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, तो सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स X का है, 1.51। तो इसका मतलब सबसे कम स्पीड होगी W में, मिनिमम स्पीड, और मैक्सिमम स्पीड होगा हमारा X में। तो अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जिसमें W मिनिमम है और X हमारा मैक्सिमम है। आइए, X मिनिमम, W, हाँ ये सी, W इज मिनिमम एंड X इज मैक्सिमम, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। यह जो 2023 और स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ भी दो लेंस है, टू लेंस ऑफ पावर प्लस का 10D एंड माइनस का 2D आर प्लेस इन ए कॉन्टैक्ट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। इसमें हमें पहले पावर निकालना, उसके बाद फोकल लेंथ निकालना, ठीक है। तो 10D प्लस और माइनस 2D करेंगे तो क्या जाएगा 8D, तो हमारी जो पावर है क्या आ गई, 8D आ गई। अभी मैंने आपको बताया था फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/P, तो 1/8। तो अभी ये क्या है, किस यूनिट में है, मीटर के यूनिट में, हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड कीजिए 4, 2 से डिवाइड कीजिए 50, 50 को 2 से डिवाइड कीजिए 25, इसको 2। अगर आप 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 12.5। तो देखिए आंसर कौन सा 12.5 है, प्लस में है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखा दिया कैसे सॉल्व हुआ है। इसके अलावा जी वर्चुअल इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट्स कैन बी प्रोड्यूस बाय, इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो कॉनकेव मिरर में होता है। इसीलिए आप लोग देखेंगे जो डेंटिस्ट होते हैं जो दांतों के डॉक्टर होते हैं वो क्या यूज करते हैं, वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। क्यों, ताकि उसको जो है जो टीथ है, जो हमारा टीथ है, दांत है, थोड़ा उसको बड़ा दिखे, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए प्रीवियस ईयर के। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामा सेटिव वीडियो देखने आप लोग मिशन जामा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।